हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.5 करने वाले हैं। 9.5 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन होमोजीनियस फॉर्म। जैसे लास्ट एक्सरसाइज हमने सेपरेशन मेथड पे की थी, ऐसे ये वाली एक्सरसाइज होमोजीनियस फॉर्म पे बेस्ड है। अब होमोजीनियस फॉर्म बेसिकली होती क्या है वो समझ लेते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एक फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन तब कहा जाता है और उसकी डिग्री कितनी है एन। तब कहा जाता है अगर एफ एक्स की जगह हम लैम्डा एक्स डाल दें एंड वाई की जगह हम लैम्डा वाई डाल दें। लैम्डा क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट आप ले सकते हैं। तो उसका आंसर अगर लैम्डा रेस टू पावर एन इंटू एफ एक्स वाई आ रहा है तो आपके पास वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया। अब ये फंक्शन में मैंने एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाला, वाई की जगह लैम्डा वाई डाला। तो मैंने यहाँ पे एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। यहाँ पे अब y की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा y, तो y का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 2x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। ठीक है, तो ये तो आपके पास ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब दोनों में देखिए, अगर आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा। यानी ये बेसिकली दोबारा से आपके पास क्या आ गया, फंक्शन ही आ गया। तो जब आपको ऐसे वैल्यू पुट करके दोबारा से आपके पास फंक्शन ही आ जाए, देन आप कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। एंड यहाँ पे अगर आपको इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री पूछे तो देखिए, बाहर आपके पास लैम्डा स्क्वायर है, तो जो पावर होगी लैम्डा की पावर एन हो उसकी डिग्री होगी। सो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। ओके, आप यहां से भी डिग्री बता सकते हैं कि क्या होगी फंक्शन की। देखिए, फंक्शन में यहाँ पे y की पावर भी 2 है, यहाँ पे अगर 2 के साथ जो वेरिएबल है हम इनकी पावर्स को भी ऐड करें तो 1+1 ये भी 2 बनता है। सो डिग्री यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये 2 है, एंड डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस फंक्शन ही होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे प्रूव भी करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हमें सॉल्व करना है, बट प्रूव भी करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन की बात करूं, सो आपको बोला है शो करने के लिए कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, एंड आपको ये उसको आगे सॉल्व करना है। सो हम देखिए, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या है कि हमें सेपरेट करना चीजों को मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे सेपरेशन मेथड नहीं लगा रहे हैं। मतलब हमें वाई और एक्स अलग करने यहाँ पे मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स वाई इकट्ठे आ रहा है। जब एक्स वाई इकट्ठे आ रहे हैं तो हमें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में हम होमोजीनियस फंक्शन मेथड लगाते हैं। बट होमोजीनियस के लिए, अब यहाँ पे जैसे इन क्वेश्चन में बोला है कि पहले शो कीजिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, सो मैं 2-3 क्वेश्चन में आपको शो करने का मेथड बताऊंगी, बाकियों में आप खुद ही शो करेंगे, बिकॉज बहुत ईजी है, वही चीज आपको बार बार रिपीट करनी है। सॉल्व बाकी में करके दिखा देती हूँ आपको। सो जैसे हमें होमोजीनियस फंक्शन अगर शो करना है, सो हम पहले अलग कर लेते हैं डी वाई और डी एक्स। देखिए, डी वाई और ये जो डी एक्स है, मैं यहाँ पे जो फॉर्म है, देखिए 2 तरीके से फॉर्म बनती है। एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म बनती है, एक डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म बनती है। हम यूजुअली डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म बनाते हैं, एंड पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ज्यादा आएंगे। सो यहाँ पे मैंने डी वाई, ये जो डी एक्स है, मैं इधर ले गई। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह मैंने अलग कॉन्स्टेंट ले लिया के, सो पुट एक्स इज इक्वल टू के एक्स एंड वाई इज इक्वल टू के वाई। तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह मैंने के एक्स डाला है, वाई की जगह मैंने के वाई डाला है। तो यहाँ नीचे भी एक्स की जगह के एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह
के वाई। तो जब ये डाल दिया हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ के इन टू के स्क्वायर एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं ऊपर से भी के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों से कॉमन लिया, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास बचा है ये फिर से क्या आ गया, क्वेश्चन ही आ गया डीवाई बाई डी एक्स, यानी फिर से जो आपका था डीवाई बाई डी एक्स वही बन चुका है जहां से हमने शुरू किया है। सो क्लियरली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। जब हम वहां पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू डाल के भी हमारे पास दोबारा से फंक्शन बन रहा है तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। हर एक क्वेश्चन में आपने पहले ऐसे प्रूव करना है, अगर आपको बोला गया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके अब देखिए होमोजीनियस तो प्रूव कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ पे डिग्री जानना चाहते हो तो देखिए डिग्री भी यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे x को देखें तो पावर 2 चल रही है, यहाँ एक्स वाई दोनों की पावर 1+1 2 चल रही है, इधर भी x की पावर 2, इधर भी x की पावर 2, तो यहाँ पे 2 डिग्री चल रही है, ठीक है, अगर आपको डिग्री पूछे तो। सो अब आपने क्या करना है, सॉल्व आगे करना है। होमोजीनियस फंक्शन तो प्रूव कर दिया, अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। आपका जो dy by dx बना है, पहला मेथड होता है कि आपको न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक वेरिएबल से डिवाइड करना है जो कि x वेरिएबल ही होता है, बट x की पावर क्या रहेगी वो उस फंक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने देखा कि इस फंक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x का स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 चल रहा होता तो क्यूब करते, 1 ऑर्डर का होता तो x से डिवाइड करते, तो हमने यहाँ पे क्या किया न्यूमिरेटर को भी x से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं y बाय x का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड किया 1 बन गया, इसको एक x से एक x कैंसिल हो गया तो y बाय x बचा। सो इस स्टेप तक पहुंच गए। अब उसके बाद देखिए जो ये y बाय एक्स है हमने इसको सपोज करना है। सो यूजुअली हम y बाय एक्स को v मान लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने y की वैल्यू निकाल दी vx। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो इंटीग्रेशन करनी है ना, तो हम वहीं तक जा रहे हैं। सो सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे देखिए v इंटू x है, सो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल पता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, और यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे v की डिफरेंशिएशन dv बाय डी एक्स इंटू एक्स था, देन x की डिफरेंशिएशन 1 होती है इंटू v था, ठीक है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास v था प्लस x dv बाय डी एक्स, तो मैंने एज इट इज लिखा। राइट साइड पे जो dy बाय डी एक्स है, सो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये आई है। अब y बाय एक्स को तो हमने v मान लिया, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको 1+v का स्क्वायर अपॉन 1+v dy बाय dx की वैल्यू, तो वही हमने v की फॉर्म में dy बाय dx की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, v जो है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम से देखिए v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1-v अपॉन 1+v, और इधर x dv बाय dx चल रहा है। अब हम इनको अलग अलग करना शुरू करते हैं, यानी हमें दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो v एक x, सो x वाले अलग जगह v वाले अलग जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x जो है वो इधर ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए v चल रहा है, v के साथ x नहीं होना चाहिए, v के साथ तो v ही होना चाहिए। अब dv इधर चल रहा है, तो क्या करेंगे, ये v वाली टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी और साथ में dv, और ये जो x है जब इधर आएगा तो 1/x बन जाएगा और साथ में dx। अब आप देख सकते हो v वाली टर्म्स इधर, x वाली इधर, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करना है तो देखो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, पहले 1/(1-v) dv अलग कर देते हैं, v अपॉन 1-v dv अलग कर देते हैं, और इधर 1/x की इंटीग्रेशन log x, और जब हम कर देते हैं x की इंटीग्रेशन तो साथ में हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं, क्योंकि हम log वाला लिख रहे हैं तो हम log c भी लिख सकते हैं, अगर आप सिंगल c लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए 1/(1-v) यानी log 1-v होगा, सो हमने log 1-v लिखा। अब 1-v की फर्दर डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, -v की डिफरेंशिएशन -1।
अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने इसको आई वन मान लिया, बाकी सब एज इट इज चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं आई वन को, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना मुश्किल है, बट हम यूजुअली देखते हैं कि हम न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना सकते हैं। अब बनाने के लिए देखो यहाँ पे न्यूमिरेटर में वी है, डिनोमिनेटर में वी के साथ नेगेटिव है, तो पहले तो मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव से इधर मल्टीप्लाई किया है वी को, तो बाहर भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर सके, पॉजिटिव हो सके, ठीक है। तो इधर पहले वी के साथ नेगेटिव लगाया और बाहर भी नेगेटिव लगा दिया। अब माइनस वी में देखिए नीचे क्या ऐड हो रहा है, वन, तो मैंने वन इधर ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस ऐसे ही रहा, अब क्या करना है, स्प्लिट कर दो, वन माइनस वी को वन माइनस वी से डिवाइड अलग किया, माइनस वन को वन माइनस वी से अलग किया। अब यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल होके वन बन जाएगा, वन डी वी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वी, यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस वी की इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस वी, फिर वन माइनस वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन। अब यहाँ पे माइनस आपके पास ये है, ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आई वन आ गया। अब पुट कर दीजिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वैल्यू थी, प्लस यहाँ पे आई वन पुट करेंगे और राइट साइड पे ये चल रहा था, तो देखिए वैल्यू डाल दी, प्लस आई वन था बट आई वन नेगेटिव है, तो ये डाल दिया लॉग एक्स प्लस लॉग। अब जहां जहां वी है, वी हमने खुद माना था, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा था, तो हम वी को वी की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, जैसे हम टी की यूजली वैल्यू डाल देते हैं, तो वी की जगह यहाँ पे क्या डालेंगे, वाई बाय एक्स, इधर वी की जगह क्या डालेंगे, वाई बाय एक्स, इधर वी की जगह क्या डालेंगे, वाई बाय एक्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस लॉग वन माइनस वाई बाय एक्स माइनस लॉग वन माइनस वाई बाय एक्स सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू लॉग वन माइनस वाई बाय एक्स, बाकी सब एज इट इज। अब आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे फॉर्मूला लग सकता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, ठीक है। अब आप ये वाई माइनस जो माइनस वाई बाय एक्स है ये मैंने इधर ही रहने दिया, ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इधर लॉग है तो इधर भी लॉग है, बट लॉग के आगे भी कुछ लगा हुआ है, सो ये जो आगे लगा हुआ है कहाँ चले जाता है, लॉग की पावर में, मैंने अंदर यहाँ पे एलसीएम ले दिया और लॉग की पावर कर दी, ठीक है। अब देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी फिर से बन गया, तो लॉग ए इंटू बी आपके पास बन गया। अब इधर लॉग बचा है, अगर लॉग लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है तो दूसरी साइड पे जब लॉग जाता है, मैंने आपको बताया ई बन जाता है, और जो उस साइड में होता है वो ई की पावर में बच जाता है, और राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ सी और x माइनस वाई अपॉन x का स्क्वायर था, यहाँ पे x का स्क्वायर बनना था, बट एक x से एक x कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ सिंपल x बचा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये x इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने इतना सॉल्व किया, वैसे तो अगर हम देखें तो यहीं पे जब हमने वैल्यूज पुट की हैं सो हम यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट कर दी, हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारा नॉर्मल जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना उसको सॉर्ट करने का काम वो है, कि अगर हमने एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा आंसर है तो वो इस तरीके से आएगा, अदरवाइज वहां तक ही हमारा मेन जो मेथड आपका आता है, ठीक है। अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो इतनी आगे तक करने की कोशिश करिए, अदरवाइज यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास y डिफ्रेंसिएशन यानी y की जो डिफ्रेंसिएशन हो रखी है x प्लस वाई अपॉन x, ऐसा आपको ये फंक्शन दे रखा है। अब सबसे पहले जैसे हमें होमोजीनियस फॉर्म प्रूव करनी है तो हम क्या करते हैं, x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए y डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, x की जगह के एक्स डाला, y की जगह के वाई डाला और नीचे x की जगह के एक्स डाला। अब देखो दोनों ऊपर में से k कॉमन ले सकते हैं, नीचे k बाहर आ गया, k से k कैंसिल, सो x प्लस वाई अपॉन एक्स आ गया। अब बेसिकली ये फिर से आपका फंक्शन बन चुका है, यानी कि अगर ये फिर से वही आंसर आ गया है सो दिस इज अ होमोजीनियस फॉर्म। तो ये आप हर उसमें प्रूव करोगे आपका होमोजीनियस फॉर्म आ ही रहा होगा। आप यहाँ से अगर ऑर्डर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, सो यहाँ पे ये होमोजीनियस फॉर्म तो है ही है, और डिग्री आपकी क्या चल रही है, 1 डिग्री चल रही है। अब जब ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास dy by dx है,
ये x प्लस वाई अपॉन एक्स, अब इसके न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को x की पावर से डिवाइड करना होता है, बट x की पावर कौन सी होगी वो कैसे डिपेंड करेगा कि आपके पास डिग्री क्या है आपके फंक्शन की. सो यहाँ पे डिग्री 1 थी क्योंकि 1 ही पावर में आ रहा है, सो डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x की पावर 1. तो हमने इसको भी x से डिवाइड कर दिया, हमने y को भी x से डिवाइड कर दिया, और नीचे जो x है उसको भी x से डिवाइड कर दिया. देखो यहाँ पे करके तो 1 आ जाएगा, इसको करके भी 1 आएगा, तो यहाँ पे y प्लस x आएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम v मानते हैं किसको, ये y प्लस x को, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू वी एक्स आ जाती है, फिर हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं. तो यहाँ पे वैसे ही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, और राइट साइड पे y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे देखिए ये जो v है ये इधर जाके माइनस v हो जाएगा, और dy by dx की हम वैल्यू डाल देंगे. देखो dy by dx की वैल्यू क्या है, 1 प्लस y by x को क्या माना है v, सो dy by dx की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस v. सो आपके पास यहाँ पे देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, v वाली टर्म्स अलग और x वाली टर्म अलग. जो x है देखो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे जो x है ये भी इधर ले आते हैं, 1 बाय x हो जाएगा, और इधर सिर्फ dv बचेगा. अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, dv की इंटीग्रेशन तो v होगी, 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x. अब यहाँ पे v की फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते, v को क्या लिखोगे, y बाय x और log x प्लस c. यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, या फिर x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो x log x प्लस c के साथ भी हो जाएगा, तो cx. थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास फंक्शन है. अब यहाँ पे भी x और y इकट्ठे हैं तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सेपरेशन मेथड नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म लगा रहे हैं. एंड अगर यहाँ पे डिग्री देखनी हो तो देखिए x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, x 1 y 1 यानी डिग्री 1 का चल रहा है. सो अब यहाँ मैं आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिखा रही हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे प्रूव होता है, वो आप खुद ही कर लेना. x की जगह के एक्स, y की जगह के वाई, अगर आपको पेपर में आता है तो वैसे ही करना है. एंड में अगर फिर से आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आपके पास होमोजीनियस फॉर्म प्रूफ हो गई. अब मैं आपको सॉल्व करने के मेथड बता रही हूँ, होमोजीनियस वाला पार्ट अब मैं नहीं करवा रही हूँ, वो बहुत इजी है, सेम चीज हर क्वेश्चन में करनी है, ठीक है. नाउ अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, देखिए ये सेपरेशन मेथड से तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स एंड वाई हमारे इकट्ठे चल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म लगाएंगे. अब होमोजीनियस फॉर्म में पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, ये माइनस था, ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, फिर हम होमोजीनियस फॉर्म में dy बाय डी एक्स बनाते हैं. सो यहाँ पे dy है अपॉन dx कर दिया, तो ये इधर x प्लस वाई, x माइनस वाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि हमने किस से हमने डिवाइड करना है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को. अब हमने अभी चेक किया कि जो क्वेश्चन है उसमें पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है, यानी डिग्री 1 है. सो हम न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ न्यूमिरेटर को भी x से, डिनोमिनेटर को भी x से. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए x को x से करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे y अपॉन x बन जाएगा, यहाँ पे x को x से करेंगे 1 आएगा, एंड यहाँ पे y अपॉन x बन जाएगा. अब जब हमारे पास y अपॉन x की फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, y अपॉन x को v मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू वी एक्स, फिर वही बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो वही करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड की डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, और राइट साइड डी वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा हर बार हर क्वेश्चन में बन जाता. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू डालते हैं, क्या होगी, देखो dy by dx की वैल्यू है 1 plus y by x. अब y by x की वैल्यू क्या है, v माना है ना उसको, so 1 plus v upon 1 minus v लिख सकते हैं. so वही हमने dy by dx की जगह लिखा 1 plus v upon 1 minus v, और ये जो v है ये इधर जाके माइनस हो गया. अब क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे, तो LCM लेंगे, देखिए ये आ गया. अब यहाँ से हमारे पास जो v और v, ये v एंड नेगेटिव v कैंसिल हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर बचा अपॉन 1 माइनस v, ये आ गया, और लेफ्ट साइड पे x dv बाई dx चल रहा है. अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, देखिए dx इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब x वाली टर्म अलग, v वाली अलग, ये x राइट साइड पे जाके 1 बाय x हो जाएगा, और इधर dx तो है ही, इधर dv है, तो ये v वाली टर्म जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी. सब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है. देखो 1 बाय x की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, log x और साथ में कांस्टेंट लगा दो. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट, पहले 1 अपॉन दिस इधर कर देंगे,
माइनस फिर v अपॉन दिस, तो ये इधर करते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, सो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स v। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको आई वन मान लेते हैं राइट साइड एज इट इज। अब ये आई वन को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आसानी से पता लग रहा है कि अगर हम इसको टी मानेंगे या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वी लिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे यू ले लिया। आप टी लेना चाहते हो तो आप टी भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो हमने इसको टी मान लिया वन प्लस वी स्क्वायर को। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो डी यू बाई डी वी हो गया, वन की डिफरेंशिएशन जीरो, वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डी वी की वैल्यू निकाल रहे हैं डी यू बाय टू वी। अब यही वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे वी एज इट इज, डिनोमिनेटर को हमने क्या माना है यू, डी वी की वैल्यू डी यू बाई टू वी। अब v से v कैंसिल हो गया, 1 बाई टू बाहर, 1 बाई यू डी यू, 1 बाई यू की इंटीग्रेशन log u, u तो हमने नहीं माना, u किसको माना था हमने 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो u की जगह 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v भी हमने जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सो v क्या करेंगे, v की वैल्यू क्या है y अपॉन x, तो v की वैल्यू v स्क्वायर यानी y अपॉन x का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आई वन आ गया। अब जो ये आई वन है कहाँ डालेंगे, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है यहाँ tan इनवर्स माइनस आई वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी था, तो इस इक्वेशन में आई वन की वैल्यू डालेंगे, तो tan इनवर्स v माइनस आई वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इधर एलसीएम ले दिया, यहाँ पे v की वैल्यू डाल दी y अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए ये log x है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाफ माइनस हाफ लॉग चल रहा है, लॉग a अपॉन बी। अब जब लॉग a अपॉन बी होता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हाफ है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू दिस एज इट इज, माइनस हाफ इंटू माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, सो प्लस हाफ लॉग एक्स का स्क्वायर। और इसको एलैबोरेट आपने करना है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है यानी जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, सो यहाँ पे वो पावर का टू जो है वो आगे आ गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज चल रहा है, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ लॉग एक्स बचा, सो ये लॉग एक्स ये लॉग एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ इतना बचा एंड आपके पास सी बचा, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फिर से देखिए x और y इकट्ठे आ रहे हैं, आप इसको सेपरेशन मेथड से करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, पेपर में तो नहीं बोला होगा ना होमोजीनस से ही करो, सेपरेशन से करने की कोशिश करोगे नहीं अलग अलग होंगे क्योंकि x एंड y इकट्ठे चल रहे हैं, सो आपको यहीं पे समझ में आना चाहिए कि ये होमोजीनस फंक्शन है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो पहले तो डिग्री देख लेते हैं, यहाँ पे टू है टू, इधर भी x इंटू वाई यानी वन प्लस वन टू, सो ये टू डिग्री का होमोजीनस फंक्शन है, यानी जब हमें डिवाइड करना होगा तो हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जब प्रूव करने के लिए बोलेंगे फिर से वही करना है, x की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई डाल के फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। सो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये आपका एज इट इज, ये प्लस जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमने बनाना होता है, तो डी वाई तो ये रहा, डी एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस टू एक्स वाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बन गई। अब क्या करते हैं, डिवाइड करना है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को किस से, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि डिग्री कितनी चल रही है इस फंक्शन की, टू। तो यहाँ पे इसको भी आप न्यूमिरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे वन आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे आप एक एक्स से एक एक्स कैंसिल करोगे तो टू अपॉन एक्स इन टू वाई, तो यही आ गया इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देख सकते हो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया, तो क्या करते हैं वी मान लेते हैं वाई अपॉन एक्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर वही डिफरेंशिएशन करनी है, लेफ्ट साइड में हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड की डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, राइट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स। देखो लेफ्ट साइड पे तो आपका हमेशा यही बन जाता है, राइट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या डालेंगे, ये है आपके पास, सो वन माइनस वाई अपॉन एक्स को तो वी माना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस वी स्क्वायर, माइनस टू वाई अपॉन एक्स यानी माइनस टू वी, ठीक है। अब ये वी इधर जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आप दोनों का
एलसीएम ले लोगे, ये आपके पास एलसीएम आया, तो देखिये 2v² - v² तो +v² अपॉन -2v। अब क्या करते हैं, ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दिया। अब ये x इधर जाके 1/x बनेगा, मतलब xx वाली टर्म अलग, ये जो v वाली टर्म है जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और साथ में dv जो है वो तो इधर चल ही रहा है, ठीक है। अब राइट साइड का तो आपको पता है कि log x होता है, लेफ्ट साइड का आपको करना है i1। सो लेफ्ट साइड को इसको i1 मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। डिनोमिनेटर को आप t मान लीजिए, सो यहाँ पे 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, वी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2v, टी की डिफ्रेंसिएशन dt/dv, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dv निकाल लीजिए यहाँ से। अब यही dv की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, सो -2 तो बाहर आ गया, जो v है वो एज इट इज, 1 + v² यानी कि t, dv की वैल्यू dt/2v, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बाहर ही है, 1/t dt आपके पास बचा, 1/t की इंटीग्रेशन log t, माइनस बाहर ही था, सो t की जगह अब वैल्यू डाल दीजिए 1 + v². अब यही i1 जो है हम कहाँ डालेंगे, जहाँ से हमारी इक्वेशन बनी है। सो हमारी इक्वेशन कहाँ से बननी शुरू हुई थी, देखें ये था आपके पास i1 = 1/x dx, तो यहाँ पे i1 की वैल्यू ये आई है, सो i1 = 1/x की इंटीग्रेशन log x और प्लस log c लग जाएगा। सो यहाँ पे आप v की वैल्यू डाल दीजिए, v की वैल्यू क्या है, y/x, सो y² / x² हो जाएगा बिकॉज v स्क्वायर है। यहाँ पे आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं, यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लग सकता है, log a into b, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, सॉरी ये वाला स्टेप नहीं, क्योंकि v में हम आंसर नहीं छोड़ सकते, y² / x² में भी आप छोड़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इधर x² है, इधर x² y² बट फिर xy आ गया, यानी कि फिर से x और y इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप सेपरेशन मेथड नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको होमोजीनियस मेथड लगाना पड़ेगा। सो होमोजीनियस मेथड के लिए पहले आपको होमोजीनियस मेथड प्रूफ करना है, वो भी सिर्फ तब अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, वैसे ही dy/dx फॉर्म बनाइए, देखिए dy/dx हमने इधर लिखा, तो ये x² इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे तो देखिए वैसे x² से डिवाइड करने की, सॉरी यहाँ पे पूरे को आप क्या करते हो, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² या x³ या x^1 किसी से डिवाइड करते हो, आप किससे डिवाइड करते हो वो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है। यहाँ पे देखिए इधर x^2 चल रही है, x^2, y^2, यहाँ पे x × y यानी 1 + 1 2, सो डिग्री 2 ही चल रही है, तो आप न्यूमिरेटर को भी x² से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी x² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे भी इंडिविजुअली कर सकते हैं, देखो x² से इधर x² ही डिवाइड हो रहा है, 1 - 2y² / x² आ रहा है, xy को x² से करेंगे तो y / x, तो ऐसे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपका y / x की फॉर्म में आ गया है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि y / x को आप क्या मानोगे, v मानोगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू vx, बोथ साइड डिफरेंशिएट, लेफ्ट साइड dv/dx, राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड प्लस सेकंड की डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट, तो ये आपके पास dy/dx बन गया। तो dy/dx एज इट इज, ये xdv/dx प्लस v, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, dy/dx की वैल्यू डालते हो, ठीक है। ये तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, dy/dx की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखो यहाँ से बना था dy/dx 1 - 2। अब y/x को तो v मान लिया तो 2v² प्लस y/x को v माना तो प्लस v, तो 1 - 2v² + v। अब ये v इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 - 2v². अब x वाली टर्म अलग, y वाली टर्म अलग, देखो ये dx इधर चला जाएगा तो ये x भी इधर आके 1/x बन जाएगा, इधर बचा dv, तो ये 1 - 2v² इधर जाके 1/1 - 2v² हो जाएगा। अब जब बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, देखो इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है log x + log c, अब लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करना है तो अगर मुझे 1/a² - x² का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे क्या है कि v² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो मैंने बेस में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर 1 में से 2 कॉमन लूंगी तो 1/2, माइनस इसमें से 2 कॉमन लूंगी तो सिर्फ v² बचेगा,
वन बाय टू किसका स्क्वायर होता है, वन बाय रूट टू का, यहाँ वी स्क्वायर का. अब डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. ठीक है, राइट साइड पे लॉग एक्स प्लस लॉग सी चल रहा है. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इधर भी आप यहाँ पे सॉरी y जो v है v की वैल्यू डाल सकते हो y अपॉन x, इधर भी v की वैल्यू y अपॉन x. यहाँ पे आप देखो इनको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा आपके पास. यहाँ पे आप LCM ले सकते हो, नीचे भी आप LCM ले सकते हो एंड दिस इज योर आंसर. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखें. अब ये देखने में थोड़ा आपको बड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास x cos y upon x, फिर y sin y upon x into y है. यहाँ पे y sin y upon x minus x cos y upon x into x dy है. सो हमने बेसिकली dy by dx बनाना होता है. सो dy ये रहा, dx इधर आके डिवाइड हो गया. तो यानी कि ये जो पूरा है ये x के साथ, ये लेफ्ट साइड पे जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, जैसे dx इधर आके डिवाइड हो गया तो ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने ये डिवाइड कर. ठीक है, अब बात आती है आगे. अब मैं हमेशा देखो एक चीज याद रखो कि यहाँ पे आपके पास अगर y upon x है तो आपके पास अकेला यहाँ पे x नहीं हो सकता. अगर y upon x है तो अकेला y नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ x into y करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो y है ये हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई हो गया, यहाँ y मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ऐसे नीचे x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या करते हैं, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम डिवाइड करते हैं पावर से. ठीक है, अब यहाँ पे जो डिवाइड करना है हमने, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इधर x और y दोनों को प्लस करके 2 बन रहा है, इधर y स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, इधर दोनों को 2 बन रहा है. यानी हमें x स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा. सो न्यूमिरेटर को भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो देखो इसको पहले एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स बनेगा, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, जिसको हमने वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया. एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वन बन जाएगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा. अब जब आपके पास ये बन जाता है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में, देन अब क्या करते हो, वी मानते हो वाई अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, y आपका वी एक्स आ गया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हो, लेफ्ट साइड पे dy/dx बन गया, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, ddx of first into second plus ddx of second into first. ठीक है, तो आपके पास ये बन जाता है. अब आप क्या करते हो, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू डालते हो. अब dy/dx की वैल्यू तो आपकी ये चल रही है, अब काफी बड़ी है बट इसको हम छोटा बना सकते हैं बिकॉज y upon x को तो हमने v मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, v cos v plus v square sin v upon v sin v minus cos v, ऐसे बन जाएगा. तो ये हमने डाल दिया राइट साइड पे, आपके पास ऐसे चल रहा है. अब ये जो v है ये लेफ्ट साइड पे माइनस v हो जाएगा. फिर हम इन दोनों का LCM लेंगे, जिसमें v square sin v तो कैंसिल हो गया, v cos v plus v cos v यानी कि 2v cos v, और नीचे डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आया और राइट साइड पे आपके पास चल रहा है. अब क्या करते हैं, x वाली टर्म्स एक जगह, y वाली एक जगह. सो आपके पास dx जो है, देखो इधर जाके ये जो dx है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा, तो ये जो x है ये भी इधर 1 upon x बन जाएगा. इधर आपके पास dv बचा है तो ये राइट साइड पे जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब दोनों को इंटीग्रेट करना, देखो 1 upon x की इंटीग्रेशन तो log x सिंपल है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो हमने इसको i1 मान दिया. अब i1 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आई वन को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करेंगे. डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया, अब t क्या है, 2v cos v. अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2v फर्स्ट फंक्शन cos v सेकंड फंक्शन. प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, ddx of first into second plus ddx, सॉरी x बोल रही हूँ, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू v चल रहा है, सो ddv of second into first. तो यहाँ पे देखिए 2v की जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो तो 2 होगी और साथ में cos v है. cos v की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन v और साथ में 2v है. लेफ्ट साइड पे तो dt by dv चल रहा है, दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो cos v माइनस v साइन v.
अब दोनों में से अगर मैं माइनस टू कॉमन ले लेती हूँ तो ये दोनों जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, वी साइन बी माइनस कॉस बी। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैंने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि वी साइन बी माइनस कॉस बी है, ना कि कॉस वी माइनस वी साइन बी। सो इसको रेसिप्रोकल मैंने इसलिए किया, सॉरी उल्टा कर दिया, मैंने माइनस कॉमन लिया। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्या था, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई वन। सो हमारे पास हमने सॉल्व किया, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू आई वन था, बट अभी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सो पहले आई वन में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये था हमारा आई वन, वी साइन बी माइनस कॉस बी वाज इट इज अपॉन टू वी कॉस बी, यहाँ पे मैंने t नहीं लिखा, प्लीज t लिख लेना क्योंकि इसको मैंने t माना है, इनटू dv है आपके पास तो आप क्या लिखोगे dv की वैल्यू। सो आप देख सकते हो v sin v, ये v sin v माइनस cos v कैंसिल, सो माइनस टू था सो माइनस वन बाई टू बाहर ले लिया, ये हमने t माना था सो वन बाई टी डी टी बचा, वन बाई टी की इंटीग्रेशन log t, t की जगह आप वैल्यू डाल दो। अब आप लिखो, देखो log x कि किसके बराबर था, आई वन के बराबर, यही हमने किया था कि log x आई वन के बराबर है, मैंने log x के साथ log c भी लगा दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट लगाना होता है, इज इक्वल टू आई वन। अब आई वन तो नेगेटिव में है सो यहाँ पे नेगेटिव, अब आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि log इधर देखें log x प्लस log c, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b, ये टू इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अलजेब्रा है, जितना भी सॉर्ट आउट करना चाहो, जितना आगे सॉल्व करना चाहो वो जा सकता है, बट मेन हमारा जो है वो यहाँ तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास ये दे रखा है। अब फिर से देखिए एक्स एंड वाई इकट्ठे हैं तो हम यहाँ पे होमोजीनियस मेथड ही लगा सकते हैं और सेपरेशन मेथड नहीं लग सकता। तो पहले हम वही करते हैं, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, ये प्लस एक्स इधर जाके माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये एक्स है ये इधर आके राइट साइड पे इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा, सो ये वाई जब एक्स से डिवाइड होगा तो वाई अपॉन एक्स, इस पूरे को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ साइन वाई अपॉन एक्स बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब क्या कर रहे हैं हम कि हम वी की वैल्यू डालते हैं, क्या मानते हैं वाई अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई इज इक्वल टू वी एक्स, फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, हर बार की तरह ये आंसर आता है। अब डी वाई बाई डी एक्स की क्या डालते हो, वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स ये है, वाई अपॉन एक्स को तो देखो वी माना है तो वी माइनस साइन वी बन जाएगा, सो यही हमने किया वी माइनस साइन वी, राइट साइड पे आपके पास ये चल रहा है, वी जो है ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन वी के बराबर, तो वही लिखा। अब एक्स वाली टर्म अलग, वाई वाली अलग, तो ये एक्स है जो वो राइट साइड पे जाके देखो डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स इधर गया, तो एक्स राइट साइड पे जाके वन बाई एक्स, माइनस साइन वी इधर माइनस वन अपॉन साइन वी। अब माइनस वन अपॉन साइन वी यानी माइनस को सीकेंट वी बन गया, वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस लॉग सी लगा सकते हो। अब माइनस कोसेकेंट वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ कोसेकेंट वी माइनस कॉट वी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, क्योंकि लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। नाउ माइनस लॉग एज इट इज, अब यहाँ पे वी की जगह y बाय एक्स, यहाँ पे भी v ही है, v की जगह y बाय एक्स, और राइट साइड पे एज इट इज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, आपके पास फिर से वही है कि सब एक जैसा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेशन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि y और x इकट्ठे चल जा रहे हैं तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, देखिए y dx हमने एज इट इज रहने दिया, ये माइनस टू एक्स डी वाई इधर जाके प्लस हो गया, ये x log y अपॉन x dy इधर जाके माइनस हो गया। अब दोनों में मुझे dy दिख रहा है तो दोनों में से dy कॉमन ले लेंगे, तो जो ये 2x है एज इट इज माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स एज इट इज, तो आपके पास यहाँ पे देखिए y बचा है
और ये जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज राइट साइड पे dy है और dx इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हमारा dy by dx बन गया है। अब हम यहाँ पे क्योंकि डिवाइड तो करते हैं किसी से x से x square से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे भी पार वन है, यहाँ पे भी पार वन है, यहाँ पे भी पार वन है। सो हमने क्या किया, न्यूमिरेटर को भी x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो y अपॉन x ही बनेगा, यहाँ 2x को x से करेंगे 2, यहाँ पे x तो x कैंसिल हो गया, सिर्फ log y upon x बचा। सो बेसिकली दिस इज योर dy by dx। अब हम क्या करते हैं, लेट y upon x is equal to v, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू vx आ गई, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो एज यूजुअल dy by dx आपके पास यही आता है। अब dy by dx की वैल्यू डालते हैं, देखो ये थी आपके पास dy by dx की वैल्यू। अब y upon x है उसको हम क्या मानते हैं, v, 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स, यानी 2 माइनस लॉग वी, और राइट साइड पे एज इट इज चल रहा है। अब ये जो वी है ये लेफ्ट में जाके माइनस वी हो गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो दिस इज योर एलसीएम। अब वी माइनस 2v क्या हो जाएगा, माइनस वी, तो आपके पास ये बचा राइट साइड पे x dv by dx बचा। अब x वाली टर्म्स अलग, y वाली टर्म्स अलग, तो देखिए dx जो है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जो x है वो भी लेफ्ट में जाएगा, तो 1 upon x, राइट साइड पे dv बचा, तो ये जो है उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 1 upon x की इंटीग्रेशन तो log x होती है, इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने i1 मान दिया। अब i1 को सॉल्व करते हैं, देखो स्प्लिट करना पड़ेगा, एक तो 2 भी इससे डिवाइड हो रहा है, माइनस log v भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 2 का अलग से लिखा, माइनस log v का अलग से। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में v कॉमन आ सकता है, सो log v माइनस 1, ये एज इट इज। अब बेसिकली यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन गए, तो इसको मैंने i2 मान लिया और इसको i3, सो ट्वाइस तो एज इट इज है, यहाँ पे i2 माइनस i3, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये i2 सॉल्व करते हैं, i2 हमारे पास ये आया है, तो हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, इस चीज को अगर हम t मान लें, सो लेट t इज इक्वल टू लॉग वी माइनस वन, सो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, t की डिफरेंशिएशन dt टी बाई डी वी, लॉग वी की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी, माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv की वैल्यू v dt, अब यहाँ पे पुट कर दो 1 अपॉन v, इसको क्या लिखेंगे t, सो 1 बाई वी टी, dv की वैल्यू क्या है v dt, तो यहाँ पे लिख दी, v से v कैंसिल, 1 अपॉन t dt बचा, 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन log t, t किसको माना है, log v माइनस वन। ऐसे देखो ये i3 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसको, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे t, सो इसको t मान लिया, तो एक चीज देखो यहाँ पे तो dt by dv आ जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन करके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो ddx ऑफ ddv ऑफ फर्स्ट, यानी v की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v1 into second प्लस ddv ऑफ सेकेंड, लॉग वी की डिफरेंशिएशन 1 बाय वी इनटू फर्स्ट, और माइनस वी की माइनस 1 आपके पास आ जाए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो है लॉग 1 इनटू लॉग वी, लॉग वी यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, तो डी टी बाई डी वी आपके पास लॉग वी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वी निकाल दो, डी टी बाई लॉग वी, यही हम यहाँ क्वेश्चन में डालेंगे, सो लॉग वी जो है आपके पास वो एज इट इज आ जाएगा, नीचे आपने टी माना है इंटू डी, डी वी की वैल्यू डाल दो, सो लॉग वी एज इट इज, नीचे टी इंटू डी। अब लॉग वी कैंसिल, 1 बाई टी डी टी आ गया, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन लॉग टी, सो लॉग टी की जगह टी की वैल्यू। अब वी जो है, वी भी तो हमने खुद ही सपोज किया है, सो वी की जगह भी क्या डाल दो, वाई अपॉन एक्स, इधर वी की जगह वाई अपॉन एक्स, इधर वी की जगह वाई अपॉन एक्स। अब ये सब चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। देखो बेसिकली तो लॉग एक्स किसके बराबर चल रहा था, आई वन के बराबर, और आई वन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, ट्वाइस ऑफ आई टू माइनस आई थ्री, तो यहाँ पे लॉग एक्स बेसिकली क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आई टू माइनस आई थ्री, तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने निकाल दिया दिस इज लॉग एक्स और साथ में कॉन्स्टेंट लॉग सी, ट्वाइस ऑफ आई टू माइनस आई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा और इसको सॉल्व कर दो, जैसे यहाँ पे लॉग के आगे जो आता है वो पावर में चले जाता है, राइट साइड पे आपके पास एज इट इज, सो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी बन गया, तो क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, और इधर लेफ्ट में लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी।
अब यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर है दोनों में y अपॉन x आ रहा है, सो y अपॉन x मैंने बाहर ले लिया, सो log y अपॉन x माइनस वन नीचे बचा। अब देख सकते हो log y अपॉन x माइनस वन एक log y अपॉन x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो बचेगा, सो ऊपर क्या बचा log y अपॉन x माइनस वन, ये y अपॉन x जब ऊपर जाएगा तो x बाय y बच जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में अब ये दूसरी वाली फॉर्म है, अभी तक हम करते आ रहे हैं dy by dx, बट ये फॉर्म है dx by dy, जो इस साल आपको पेपर्स में बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड है। जो आपका लीनियर मेथड है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, होमोजीनियस मेथड में भी बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड है, तो एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपको देखो जैसे ये बोला हुआ है, आपने क्या करना है, पहले तो स्प्लिट करोगे, ये प्लस वाई है, ई रेस टू पावर एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, सो ये जो है ये राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने डी एक्स बाई डी वाई क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई इस तरीके से चल रहा है, तो अब यहाँ से पता लग जाएगा कि अब हमें डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म बनानी है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो dx ये dy इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये राइट साइड ऐसे रही, ये इधर जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगी। अब यूजुअली हम v किसको मानते हैं, y अपॉन x को, बट यहाँ पे किसको मानेंगे, x अपॉन y को, तो v माना x अपॉन y को, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया vy। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx को करेंगे तो dx by dy, इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड प्लस सेकंड की डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट। अब देखो dx by dy है, ये रहा आपके पास, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे माइनस e की पावर x by y है, x by y को तो हमने v माना, तो माइनस e की पावर v इनटू वन माइनस x by y यानी वन माइनस v, वन प्लस e एज इट इज और x by y की जगह v, राइट साइड पे आपके पास ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो v है, देखो ये v इसके साथ जाके माइनस v हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस v किया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ऐसा आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये नेगेटिव है, सो माइनस ई वी माइनस वी, सो आपके पास इस तरीके से अपॉन दिस। अब जब ऐसा आ जाता है तो बोथ साइड आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, वी वाली टर्म्स एक जगह, वाई वाली अलग जगह, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है नहीं है, सो यहाँ पे डी वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर रह गया, तो वाई भी इधर जाके वन अपॉन वाई बन जाएगा, डी वी इधर रह गया, तो ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके अंदर पॉजिटिव कर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखाया, अभी इतनी बार आप सब्सटीट्यूशन मेथड कर चुके हो, आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को t मानना है, फिर आपके पास सॉल्व करके माइनस वन अपॉन टी आंसर आएगा, सो वन अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग टी होती है, यानी माइनस लॉग टी आपके पास आंसर आएगा, और टी की वैल्यू हमारे पास ये है, इसलिए मैंने माइनस लॉग ई वी प्लस वी लिखा है इसका आंसर। ठीक है, इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, राइट साइड पे वन अपॉन वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई और प्लस लॉग सी। ठीक है, यहाँ पे लॉग वाई प्लस लॉग सी क्या हो सकता है, लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी, और लेफ्ट साइड पे आप क्या करोगे, वी की जगह एक्स बाय वाई, इधर वी की जगह एक्स बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे और आप क्या कर सकते हो, ये जो माइनस है लॉग के आगे जो लगा होता है वो लॉग की पावर में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से लॉग जो है वो कैंसिल हो गया, आपके पास एज इट इज बचा, अब पावर माइनस वन है, सो हम पहले तो देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, अंदर माइनस वन करने से पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास ये एलसीएम आएगा, अब पावर माइनस वन है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं एंड इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अभी तक जो हम कर रहे थे वो होमोजीनियस फंक्शन एंड उसको आपने सॉल्व करना था, नॉर्मल सॉल्व जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब कल के लेक्चर में भी हमने किया था, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो आप सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही करते रहो, जब आपका एंड आंसर आ जाता है तो वहां पे आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज डाल देनी है, सिंपल वही है, जैसे सेपरेशन मेथड में आप एक्स एंड वाई की वैल्यू डालते थे वैसे ही होमोजीनियस मेथड में आपने डालनी है। सो जैसे 11 से जो 15 तक
आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हैं कि आपको बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखिए, जैसे 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्स और वाई इकट्ठे चल रहे हैं, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेपरेशन मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि अलग नहीं हो सकते, तो यहाँ पे होमोजीनियस मेथड ही लगेगा. तो क्या करेंगे, पहले इसको राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव हो गया, फिर हम क्या बनाते हैं यूजुअली dy बाय dx की फॉर्म. सो dy इधर ही रहने दो, dx इधर जाके डिवाइड हो गया और x प्लस वाई इधर जाके डिवाइड हो गया. सो आपके पास यहाँ पे अब हम करते हैं न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करना है. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सभी की पार x और y की पार 1 चल रही है, तो मैंने न्यूमिरेटर को भी x से डिवाइड किया, x अपॉन x 1, y अपॉन x, y अपॉन x हो गया. नीचे डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड किया, x अपॉन x 1, y अपॉन x को y अपॉन x. ठीक है, अब बाहर ये जो नेगेटिव था ये मैंने ऐसे कर लिया. नेक्स्ट आप क्या करते हो कि ये जो v है, नेक्स्ट आप v जो है वो y अपॉन x को सपोज कर लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो y की वैल्यू v x, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड, वही स्टेप्स चलते जा रहे हैं. एक बार स्टेप्स आपने लिख लेने हैं. तो dy by dx यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल चलेगा, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड की डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट. सो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू आप डालोगे. dy by dx देखो माइनस तो एज इट इज है, 1 माइनस y अपॉन x यानी 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस y अपॉन x यानी कि 1 प्लस v. राइट साइड पे आपके पास ये चीज एज इट इज आ रही है. अब आप क्या करते हो, x वाली चीज यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं. सॉरी, v जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे जाके माइनस v हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने माइनस v किया, फिर हमने बोथ साइड यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके आपका ये तरीका आ गया. देन आप देख सकते हो यहाँ पे v और माइनस v तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस v स्क्वायर आपके पास बचा, मैंने उसको लिख दिया माइनस v स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो तो आप x और v वाली टर्म अलग कर देते हो. तो देखो dx इधर नीचे है, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस पोजिशन में आ जाएगा, तो x भी हम राइट साइड पे लेके 1 अपॉन x हो जाएगा. ये जो माइनस है मैंने एज इट इज रहने दिया. ठीक है, अब ये dv जो है वो इधर ही रहने दो. ये जो है आपका पूरा जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस इधर कॉमन ले लिया था, तो अंदर v स्क्वायर प्लस 1 ही बना. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 1 अपॉन x की तो आपको पता है log x होता है. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो हम स्प्लिट कर लेते हैं. यहाँ पे 1 अपॉन दिस प्लस v अपॉन दिस, तो हमने स्प्लिट कर दिया. अब आगे सॉल्व करते हैं. देखिए राइट साइड पे माइनस 1 अपॉन x यानी माइनस log x प्लस log c कर देंगे. अब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि tan इनवर्स x होता है. सो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स. यहाँ पे इस चीज में हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है बहुत सिंपल है. डिनोमिनेटर में आप इस चीज को t मान लीजिए, t करेंगे तो आपके पास 1/2 t आपके पास आ जाएगा. सो 1/2 कांस्टेंट ले लोगे, 1/t की इंटीग्रेशन log t होती है, इसीलिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है एंड log t. t की वैल्यू आपने किसको मानी है, v स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, कुछ नहीं करना, इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है. अब इतना इंटीग्रेशन कर चुके हो इसलिए मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ, तो आप भी अगर आपको हो सके तो डायरेक्ट कर सकते हो आप. यहाँ पे माइनस log x प्लस log c. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि v में हमने आंसर छोड़ा है, v में नहीं छोड़ सकते. सो v की जगह यहाँ पे भी y अपॉन x डाल दिया, v की जगह यहाँ पे भी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डाल दिया. अब बेसिकली दिस इज योर आंसर, बट क्योंकि यहाँ पे बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उन्होंने वैल्यूज दे रखी है कि y की वैल्यू 1 देन x की वैल्यू 1, तो सिंपल वही मेथड करना है, बस लास्ट में आपने x और y 1 डाल देना है. तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह 1, यहाँ पे भी एक्स वाई की जगह 1, यहाँ पे भी, तो हर जगह हमने डाल दिया. देखो tan 1 कब होता है, 45 पे यानी pi by 4 पे. So log 2, 1/2 log 2 as it is. Log 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पे right side पे क्या बचा, log c. ठीक है, सो आप अगर आंसर चाहो, क्योंकि आपके पास log c की वैल्यू आ गई, तो लास्ट में बस पुट कर दो इस आंसर में tan इनवर्स y by x 1/2, ये as it is आ गया, माइनस log x इधर आके प्लस log x. राइट साइड पे जो log c बचा, log c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते हो, वो आपने पुट कर दी. हमने कल जो सेपरेशन मेथड किया था उसमें भी जब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाले थे तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे कि x एंड y की वैल्यू डालते थे, जो वैल्यू आई उससे क्या निकालते थे हम, कॉन्स्टेंट c. अब जैसे यहाँ पे log c है तो हम log c निकाल रहे हैं, जो log c की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दो एंड दिस इज योर आंसर.
अब 12th से लेके 15th क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से करने हैं, एक ही मेथड आपने फॉलो करना है, दैट इज होमोजीनियस मेथड। अगेन मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ कि होमोजीनियस मेथड कब लगाना है, जब आपको लगे कि एक्स एंड वाई जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं क्वेश्चन में एंड इनको सेपरेट करना मुश्किल है, यानी सेपरेशन मेथड नहीं लग सकता। 9 पॉइंट जो हमने 9.4 की थी वो नहीं लग सकती, इस पे सेपरेशन मेथड वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, तब आप जाके होमोजीनियस मेथड लगाओ, ठीक है? क्योंकि जब हमारे पास सेपरेशन नहीं लगता तो हमारे पास होमोजीनियस एंड लीनियर ही बचता है, तो जब एक जैसे नहीं बन रहे हैं, वो एक्स और वाई अलग नहीं हो रहे हैं, देन गो फॉर होमोजीनियस मेथड। सो इसी तरीके से आपने 12-15 करने हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है उन क्वेश्चंस में तो आपने मुझे बताना है, मैं उन क्वेश्चंस के डाउट जरूर नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।